BJP ఎన్నికల మేనిఫెస్టో విడుదలైంది. సంకల్ప పత్ర పేరుతో మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేశారు. ప్రధానిగా మోడీకి ఇది మొదటి ఎన్నికలు కావడం విశేషం. మేనిఫెస్టో రిలీజ్ కు బీజేపీ అగ్రనాయకులు హాజరయ్యారు. రాజ్నాథ్ సింగ్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. యూపీఏ శాసనకాల మే ఠప్ పడే వికాస్ కో పునః పటరీ పర్ లానా యే హమారీ సర్కార్ కే లియే బహుత్ చునౌతీ భరా కామ్ థా, పరంతు హమారీ సర్కార్ నే ఇస్ చునౌతీ కో స్వీకార్ కియా और इस संबंध में हमने कामयाबी भी हासिल की. यहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है और उनके नेतृत्व की सरकार, इन दोनों के प्रति मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की जनता का विश्वास भी बढ़ा है, और विश्वास ही नहीं बढ़ा है बल्कि देश की जनता का भरोसा भी उनके प्रति बढ़ा है. इसमें भी कहीं दो मत नहीं है कि विकास का चक्का इस समय तेजी के साथ चलना प्रारंभ हुआ है. जहां आवश्यक हुआ है चेंजेज करने में भी रंच मात्र संकोच नहीं किया है. जहां तक देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमने भरपूर प्रयत्न किया है और देशवासियों के मन में सुरक्षा का भाव भी पैदा करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है. यह सब करते हुए हमने एक रेस्पॉन्सिबल, एक सेंसिटिव और एक फॉर्म कन्विक्शन वाली सरकार की मिसाल देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत की है. हमारी सरकार ने पीपुल पार्टिसिपेशन को गुड गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण अंग माना है. हमने पॉलिसी मेकिंग में भी लोगों की भागीदारी तय की है और इस संकल्प के निर्माण में भी जन भागीदारी को पूरी तरह से सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश की है. भारत के मन की बात को जानने के लिए हम लोगों ने एक लंबा कार्यक्रम चलाया है. हमने करोड़ों लोगों से संपर्क किया है और अलग अलग माध्यम से लाखों सुझाव भी हमको प्राप्त हुए हैं. लगभग 300 रथ, लगभग 7,700 सुझाव पेटियां और 110 से अधिक संवाद कार्यक्रम और 4,000 से अधिक भारत के मन की बात के कार्यक्रम यह संपन्न हुए हैं. इतना ही नहीं, हम लोगों ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है. सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के मन की बात को समझने की हम लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है. साथ ही विशेषज्ञों के साथ भी हमारे टीम के जो प्रमुख सदस्य थे उनका बैठना हुआ है, हम लोगों का भी उनके साथ बैठना हुआ है, उनके साथ भी हम लोगों ने परामर्श किया है. जहां तक इस संकल्प पत्र का प्रश्न है, हमारा संकल्प पत्र पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों को आधार मानकर अगले 5 साल में हम आगे ले जाने के लिए देश को हम अपना यह दृष्टि पत्र आज प्रस्तुत हम लोगों ने किया है. 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा को पूरा करने वाला यह हमारा संकल्प पत्र है. आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जिस नए भारत के निर्माण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, उसे दोहराते हुए यह संकल्प पत्र आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा देश को समर्पित किया गया है. मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा, जब भी चुनाव होते हैं बराबर घोषणा पत्र और तरह तरह के नामों से माने मैनिफेस्टो हर राजनीतिक पार्टी के द्वारा जारी किया जाता है. इतना ही नहीं, चुनावों के द्वारा राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा लोगों से तरह तरह के वादे किए जाते हैं. जो भी वादे नेताओं के द्वारा पहले किए गए, शायद वह आंशिक रूप से पूरे हो गए होते तो आज हमारा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता, हमारा भारत दुनिया का धनवान देश बन गया होता. नेताओं की कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स, इनमें अंतर होने के कारण ही भारत में एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है. और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बार बार आग्रह रहता है कि भारत की राजनीति में जो एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है, इसको भी हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना है. और मैं कह सकता हूं कि 2014 में जो हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था. हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने उसे पूरा करने की अपनी तई भरपूर कोशिश की है. जो कहा था उसे किया था, यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और हम उस पर विजय प्राप्त करने में भी कामयाब रहे हैं. मैं
इस संकल्प पत्र के कुछ प्रमुख बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विस्तार में यदि मैं जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा। जहां तक कि संकल्प पत्र का प्रश्न है, यह वेबसाइट पर अब अपलोड हो चुका है, आप लोगों तक थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा या पहुंच गया होगा। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है, और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है, और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे। भारत में होने वाले इन्फिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी सख्ती करनी होगी हम वो सख्ती करेंगे, लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल दो टूक शब्दों में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। लेकिन यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं, हम किसी भी राज्य की, चाहे कल्चरल हो अथवा लिंग्विस्टिक हो, आइडेंटिटी पर आंच नहीं आने देंगे। जो भी उनकी पहचान है उसकी पूरी तरह हम प्रिजर्व करेंगे उसे, और उसे हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। सब मिलाजुला कर कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। मैं यहां पर जो देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर है, फार्मर, उसके बारे में कहना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शासन की बागडोर संभालते ही कहा था कि हम 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। यह हम फिर से अपने उसी संकल्प को दोहरा रहे हैं और उस दिशा में हम 5 वर्षों में तेजी से आगे बढ़े हैं। घोषणा इस संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि 1 लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है, 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा, 0% ब्याज दर पर 1 लाख का वो कर्ज लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, हमारी यह धारणा है कि जब तक इस देश के किसानों का विकास नहीं होगा, जब तक इस देश के गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक सचमुच हमारे देश के विकास का जो स्वप्न है वह साकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने, कि 25 लाख करोड़ तक का ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर 5 वर्षों में खर्च करेंगे। 25 लाख करोड़। अभी हाल में ही एक किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, यानी एक इनकम सपोर्ट था इस देश के किसानों के लिए, 6,000 रुपया प्रतिवर्ष, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है उनको दिया जाएगा। पहली किस्त जा चुकी है, दूसरी किस्त जाने वाली है। लेकिन मैं यहां प्रशंसा करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता को, जब इनके साथ इस संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए बैठे थे तो इनके उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री जी ने कि मुझे कुछ अजीबोगरीब लगता है कि हम कोई भी लाभ यदि देना है तो केवल कुछ ही लोगों तक हम क्यों सीमित रखना चाहते हैं। 2 हेक्टेयर तक का ही किसान नहीं, बल्कि जो भी किसान होगा उस सभी किसानों को हम यह इनकम सपोर्ट 6,000 रुपये का देंगे, यह जो है उन्होंने कहा, और उसको हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया। सभी किसानों को यह किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। बड़ी बात यह भी हम लोगों ने फैसला किया है, आजाद भारत के इतिहास में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे। 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे। राष्ट्रीय व्यापारी आयोग, हमारे देश के व्यापारी समाज की बहुत लंबे अरसे से यह मांग चली आ रही थी, आयोग बहुत सारे बन गए, लेकिन ट्रेडर्स का,
बिजनेसमैन का, इनकी चिंता करने वाला अभी तक कोई आयोग नहीं बना। तो इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे, और राष्ट्रीय व्यापार आयोग जो बनाएंगे इनएक्टिव यह आयोग नहीं होगा, बल्कि वेरी इफेक्टिव आयोग होगा। एक ऐसा हम राष्ट्रीय व्यापारी आयोग बनाएंगे। यदि हम लघु और सीमांत किसानों को पेंशन दे रहे हैं तो अपने देश के हम अपने व्यापारियों को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम लोगों ने यह भी संकल्प पत्र में कहा है कि हम देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा 60 वर्ष के बाद मुहैया कराएंगे। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ इस देश का होना चाहिए, यह हम सबकी चाहत है। समाज के सभी वर्ग, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे महिला हो, दिव्यांग हो, कोई छूटे ना, सबका विकास होना चाहिए। यह इसका पूरा संकल्प हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में लिया है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो हमारा संकल्प पत्र है उसके डिटेल में, उसके विस्तार में जाएं तो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगे। एक संकट, और संकट ही नहीं बल्कि मैं इसे देश की एक चुनौती भी मानता हूं जो समय समय पर पैदा हुआ है, रीजनल डेवलपमेंट को लेकर रीजनल इंबैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन। हम लोगों ने यह तय किया है कि भारत के अंदर जो रीजनल इंबैलेंस है उसको हम समाप्त करके ही दम लेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जब से आपने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है बराबर आपने इसकी चर्चा की है, और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए, धीरे धीरे उसे पूरे समाप्त करने के लिए आपने कई प्रभावी कदम भी उठाए हैं। एक और आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था, चुनाव को लेकर इस देश को बहुत बड़े खर्च का वहन करना पड़ता है, बहुत बड़े खर्च की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। पैसा किसका खर्च होता है? जो हमारे देश के आम नागरिकों की जेब से पैसा आता है करों के रूप में, वही खर्च होता है। कोई भी संवेदनशील प्रधानमंत्री होगा स्वाभाविक रूप से उसके मन के अंदर यह भाव पैदा होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने उसी समय कहा, देश की जनता का आह्वान किया था, इस पर बहस होनी चाहिए कि देश में सारे चुनाव साथ हों, हर महीने चुनाव नहीं होने चाहिए। तो यह भी हम लोगों ने यह संकल्प इसमें लिया है कि हम इस पर बहस करेंगे और इस पर कंसेंसस बनाएंगे, यह भी हम लोगों का संकल्प है। गुड गवर्नेंस का जहां तक प्रश्न है, गुड गवर्नेंस के बारे में मैं समझता हूं कि कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है, यह सभी स्वीकार करते हैं। यहां पर हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स किए हैं, वहीं पर सिस्टम में भी काफी चेंजेज लाए हैं। उदाहरण तो हमारे पास कई हैं, लेकिन मैं एक का उदाहरण देना चाहता हूं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से जो सहायता, चाहे वो विडो पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो कोई सब्सिडी हो, यह पहले मिडिल मैन के माध्यम से जो लोगों के द्वारा पहुंचती थी, अब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से पहुंचना प्रारंभ हुई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि हम लोगों ने 1,10,000 करोड़ रुपए की बचत की है। सिस्टम में चेंज लाने का यह लाभ होता है, प्रोसीजर्स में चेंज लाने का इतना बड़ा यह लाभ होता है। मजबूत करेंगे हमारे केंद्र राज्य सरकारों के संबंध बहुत ही बेहतर हों, प्रगाढ़ हों, हम उसको और अधिक मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यक होगा कदम उठाएंगे। मैं मित्रों यहां बहुत ही संक्षेप में एक और चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है बार बार कि 2022 तक हम नए भारत का निर्माण करेंगे, जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ऐसे हमने लगभग 75 स्टेप्स, 75 कदम तय किए। मैं उनमें से सारे पॉइंट्स की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सैलियंट पॉइंट्स, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे और 60 वर्ष की आयु के उपरांत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोटे और सीमांत किसान हेतु पेंशन योजना, इसकी मैंने चर्चा कर दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने की दिशा में काम करेंगे, क्योंकि 20 साल, 25 साल, 30 साल से
इरिगेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है लंबित पड़े हुए हैं, उन्हें पूरा करेंगे। और मूल धन के सामान्य पर भुगतान की शर्त पर 0% ब्याज दर पर 1 से 5 वर्ष के लिए 1,00,000 रुपए तक की का हम कृषि ऋण देंगे।